पढ़ 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 पढ़। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बाद में जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो मेरी वस्तु छीन ले उससे ना मांगो। बाद में जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। बाद में यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ रखते हैं। यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। हाँ। उसके बाद यदि तुम उन्हें उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी पापियों को उधार देते हैं कि उतना ही फिर पाए। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, क्योंकि भलाई करो और भलाई करो और फिर पाने की आशा ना रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा। और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा। तो ये बड़ा फल प्रार्थना करने से आता है कि करने से आता है? लेकिन हमारी हमेशा क्या रहती है, एक प्रार्थना क्या रहती है, ए प्रभु मुझे बड़ा फल दे, बड़ा फल दे, बड़ा फल दे। और वो क्या बोल रहे हैं, प्रेम से आता है। फिर और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर कृपालु है, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। फिर दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। प्रेस द लॉर्ड। तो ये जो स्क्रिप्चर है हमको बाय हार्ट करना है। बाय हार्ट क्यों करना है, क्योंकि उसमें लिखा है भला आदमी अपने हृदय से अच्छी तिजोरी से अच्छी चीज़ लाता है। तो ये अच्छी चीज़ है तिजोरी में रखने के लिए, नहीं यही चीज़ रखना है। तो ये चीज़ रखने से हमको क्या होगा, ज्ञान आएगा। ज्ञान आने से क्या होगा, जोसेफ के जैसे हमारी ज़िंदगी में भी बहुत बड़ा पोजीशन मिलेगा। उसके लिए गलत अपील लास्ट जेनेसिस 50 जोसेफ क्या बोलते हैं, गवर्नर बनने से क्या लाभ हुआ, सोलह से चालू करना है 50:16। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास यह कहला भेजा, तेरे पिता ने मरने से पहले हमें यह आज्ञा दी थी, तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर, हमने तुझसे बुराई की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा और उसके भाई आप ही जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। यीशु ने उससे कहा, धीरे 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 यीशु जोसेफ ने उनसे कहा, मत डरो, हाँ क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, हाँ परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे बात जिसके द्वारा जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचते हैं। अच्छा, हमारे प्रमोशन से क्या होता है, तो हमेशा याद रखना, जब जब हम प्रमोशन मिलता है प्रभु के राज्य में
उसका रीज़न क्या है, हमारे जीवन से दूसरे के जीवन में और भी और अधिक मात्रा से अच्छाई आ जाए। हमारा प्रमोशन हमारे लिए नहीं होता है, हमारा प्रमोशन हमेशा दूसरों के भलाई के लिए होता है। आमीन। आ जाइए भाई राकेश भाई, हमारे लिए एक प्रार्थना करना भाई। हम हमेशा टाइम से है ना बहुत लेट होते हैं, क्या होता है वापस मौका नहीं मिलता ना। जोरदार ताली प्रभु के दास के लिए बजा रहे हैं।